हेलो फ्रेंड्स, फाइंड इट हेयर के एक नई वीडियो में आपका दोबारा स्वागत है। और आज बात करने वाले हैं गाड़ी की सीट एडजस्टमेंट के बारे में कि इजीली आप कैसे गाड़ी का सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं और ये आपकी गाड़ी के लिए कितना इंपॉर्टेंट वाला है, सेफ्टी पर्पस से भी और आपके रिलैक्सेशन पर्पस से भी। तो दोनों चीज़ के लिए बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेंगे हमारे जो आगे और पीछे एडजस्टमेंट होती है सीट में, वो हमें कैसे करनी है और किस तरीके से अच्छे करनी है। तो ये जो एडजस्टमेंट आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमें एक जो क्लिप दी रहती है उसको हम आगे पीछे करके एडजस्ट करते हैं। और यहाँ पर से आप अच्छी तरह एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर हाइट और आपके पैर कितने आपके पैडल्स पर अच्छी तरह पहुँच पा रहे हैं, उस हिसाब से आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब आपने देख लिया कि आपको जो सिटिंग है, पोस्चर है, वो आगे पीछे तो एडजस्ट कैसे करना है। अब आ जाती है हाइट कैसे आपको एडजस्ट करनी है। तो हाइट के लिए आपको यहाँ पर एडजस्ट दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे ये आपका हाइट एडजस्टर है। जितना आप इसको ऊपर करेंगे उतनी आपकी गाड़ी की हाइट ऊपर होती रहेगी, आप देख पा रहे होंगे सीट ऑटोमेटिकली ऊपर जाती रहेगी। और जितना आप इसको नीचे करेंगे उतनी गाड़ी की हाइट नीचे जाती रहेगी। तो ऐसे आपको अपनी गाड़ी की हाइट एडजस्टमेंट करनी है अपनी सीट की। और दूसरा पॉइंट आ जाता है हमारा, तीसरा पॉइंट आ जाता है हमारा जो बैक वाली सीट है, हमें उसको कैसे एडजस्ट करना है। तो बैक वाली सीट के लिए ये है, जो आप ऐसे उठाएंगे तो आप ऐसे पीछे आराम से जा सकते हैं और ऐसे आराम से आ सकते हैं। तो गाइज, आपने देखा कि हम तीनों चीज़ें कैसे अच्छी तरीके से कर सकते हैं, सीटिंग पोस्चर अपना जो बैक वाला है, हाइट सीट की, और कितना हम सीट को आगे पीछे ले जा सकते हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें होने वाली हैं, एक तो ये आपके कंफर्ट के हिसाब से भी ज़रूरी है और दूसरा ये आपके सेफ्टी वाइज भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले कंफर्ट की बात कर लेते हैं। जब आप आराम से गाड़ी चला रहे होते हैं ऐसे करके, तो आप देखते हैं कि मुझे कैसे एडजस्टमेंट होती है। अब मैं जब गाड़ी चलाता हूँ तो मैं हमेशा ऐसे करके चलाता हूँ, तो मुझे आराम से एडजस्टमेंट मिलती है कि मैं आराम से ऐसे ईजी वे में आराम से गाड़ी चला सकूं और ना ही स्टेयरिंग से ऐसे जम के गाड़ी चला सकूं। गाड़ी आप जितने ईजी तरीके से चलाएंगे उतना आप कंफर्टेबल होकर चलाएंगे, उतना आप आसानी से और अच्छी तरह गाड़ी चला पाएंगे और उतनी आगे पीछे की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी सीटिंग वाइज पोस्चर कैसे आपके हेल्प कर सकता है। अब बात आ जाती है सेफ्टी वाइज कैसे ये हेल्प कर सकता है। सेफ्टी वाइज ये ऐसे हेल्प कर सकता है, जितनी आपकी सीट होने वाली है, अगर आपकी सीट ज़्यादा पीछे होगी तो आप देख पा रहे होंगे मेरे पैर ढंग से नहीं पहुंच पा रहे हैं यहाँ पर, मतलब मेरे जो फुट हैं वो आसानी से पैडल पर नहीं आ पा रहे हैं। और जब मैं इसको आगे सेट करूँगा तो मैं अपने पैडल्स को आराम से दबा सकता हूँ और आराम से पुश कर सकता हूँ, यानी कि आराम से इनके ऊपर वर्क कर सकता हूँ कि मुझे कैसे पैडल्स दबाने हैं और मेरा पैर पूरा पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा है। अब दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं दूर हूँ तो मेरे पैर यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं प्रॉपरली पैडल्स के ऊपर, और अगर मैं इसको ढंग से एडजस्ट करूँगा तो मैं आसानी से यहाँ पर प्रॉपर अपने पैर या फुट अपने पैडल्स पर अच्छी तरह रख सकता हूँ। तो इससे ये होने वाला है कि जब आप गाड़ी चला रहे होंगे तो आपकी ब्रेकिंग और जो पैडल्स की पोजीशन है वो अच्छी हो जाएगी और आप इजीली कंफर्ट होकर उसमें ब्रेकिंग कर सकते हैं। तो ये सेफ्टी वाइज आपके लिए बहुत अच्छा है और कंफर्ट वाइज तो मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें एक हेड रेस्ट भी हो सकता है, आप देख सकते हैं कि बहुत सारी गाड़ियों में नहीं आता है लेकिन इस गाड़ी में है, तो ये हेड रेस्ट भी आप एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर हेड। तो होप सो गाइस, वीडियो समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई होगी तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें। चलिए मिलते हैं ऐसी कुछ खास नेक्स्ट वीडियो में।